नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं बॉली टॉक्स और मैं अंकिता गर्ग आपको लेकर जाऊंगी बॉलीवुड की सैर पर। दिखाऊंगी बॉलीवुड स्टार्स की दुनिया और बताऊंगी ढेर सारी गॉसिप्स। आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, उन्होंने हमारे बॉलीवुड को दिए हैं ढेर सारे बेहतरीन गाने और तराने। जी हाँ, सुनिए। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। That's really nice. तुमने लिखा है? I wish. रघुपति सहाय फिराक का लिखा हुआ है। वैसे जनाब भी काफी अच्छा लिखते हैं। Really? क्यों कभी? इरशाद? डायमंड बिस्किट, डायमंड बिस्किट, जब भी मूड हो खा लो डायमंड बिस्किट, डायमंड बिस्किट, हेल्दी स्वाद को पालो। मम्मी पापा जब भी लाते सारे बच्चे खुश हो जाते। टॉइंग टॉइंग, डायमंड बिस्किट, डायमंड बिस्किट, हेल्दी स्वाद को पालो। अब नए कोकोनट फ्लेवर में भी डायमंड बिस्किट। अरे करना पड़ता करीनो। गहरे अंधेरे सुनी रहे फिर भी ये ढूंढे कोई मंजिल। हम सबके फेवरेट क्यूट एंड हैंडसम फरहान अख्तर। फरहान अख्तर की पहली फिल्म बॉलीवुड की, उसे 13 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर न केवल फरहान अख्तर बल्कि रॉक ऑन की पूरी कास्ट नॉस्टैल्जिया में है। और इस मौके पर फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हुए अपनी रॉक ऑन की पूरी कास्ट के साथ मैजिक बैंड के एक तस्वीर शेयर की और साथ में लिखा कंप्लीटिंग 13 इयर्स ऑफ रॉक ऑन, जिसमें फिल्म की कास्ट के साथ मैजिक बैंड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फोटो दिखी और लिखा था सेलिब्रेटिंग 13 इयर्स ऑफ रॉक ऑन। इनके अलावा फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने भी फिल्म के सीन्स की तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में फिल्म का पॉपुलर डायलॉग लिखा। वहीं फिल्म को मैजिकल लव एंड अफेक्शन देने के लिए एक्टर ल्यूक केनी ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट करते हुए सभी फैंस को थैंक्स कहा। आपको बता दें कि फरहान अख्तर के एक्टिंग और सिंगिंग करियर की ये डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ सभी गाने भी गाए थे, जिन्हें म्यूजिक दिया था नन अदर देन शंकर एहसान लॉय जी ने। इस फिल्म में उनके साथ अर्जुन रामफल, ल्यूक केनी, प्राची देसाई, पूरब कोहली और शाहना गोस्वामी ने स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म की जबरदस्त हिट होने के बाद 2016 में इस फिल्म का सीक्वल रॉक ऑन 2 भी आया था, हालांकि उसे लोगों से उतना प्यार नहीं मिला। आखिर मास्टरपीस तो एक ही होते हैं, जैसे डायमंड बिस्किट, डायमंड बिस्किट, जब भी मूड हो खा लो डायमंड बिस्किट, डायमंड बिस्किट, हेल्दी से हद को पा लो। हेल्दी से याद आया, हमारे बॉलीवुड के सुपर हेल्दी, सुपर एक्टिव स्टार अक्षय कुमार अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बेल बॉटम के लिए सुपर एक्साइटेड हैं। बेल बॉटम की जो स्क्रीनिंग है वो न केवल सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स में बल्कि मोबाइल थिएटर में भी हो रही है, एंड वो भी दुनिया के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर। नाउ लेट मी टेल यू, हियर मोबाइल डजंट मीन मोबाइल बट अ ट्रैवलिंग थिएटर। एक प्राइवेट कंपनी पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स ने पहला इन्फ्लेटेबल मूवी हॉल सेटअप किया है लद्दाख के लेह में, एंड दैट टू फॉर आर आर्मी पर्सनल एंड CIF पर्सनल ऑन 22 अगस्त। इस मौके पर अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मेक्स माई हार्ट स्वेल विद प्राइड दैट बेल बॉटम वॉज स्क्रीन्ड एट वर्ल्ड हाईएस्ट मोबाइल थिएटर एट लेह इन लद्दाख at an altitude of 11,562 feet
The theater can operate at minus 28 degrees Celsius. What an amazing feat. Isn't it so cool? So cool. खैर हमारी आर्मी ये ऑनर बिल्कुल डिजर्व करती है, ये रिस्पेक्ट डिजर्व करती है. खैर आज के लिए इतनी क्यूटनेस, इतनी कूलनेस ही काफी थी. मैं अगली बार फिर आऊंगी बहुत सारे गॉसिप्स, बहुत सारी न्यूज और बहुत सारे ऐसे चटपटा मसाला लेकर बॉलीवुड का. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड स्टे हैप्पी.